जिस तरह का कैरेक्टर मुझे इस शो से ऑफर हुआ वनराज का, ये मेरे ख्याल से कोई भी बहुत एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये आज तक का मेरा बेस्ट कैरेक्टर रहा है। एक तो शायद मैं फितरत से भी वैसा ही हूँ कि जब मैं सीन कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ तो मैं बहुत सीरियसली काम करता हूँ, और जैसे ही कैमरा कट होता है तो मैं ऑटोमेटिकली एक मजाकिया मोड में चला जाता हूँ। मैंने कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। वनराज ये जो किरदार है, इससे जितनी नफरत मिली है उतना ही प्यार मिल रहा है जी। आपके लिए किस तरह की जर्नी? मेरे लिए बहुत ही बड़ी अवेकनिंग थी एक्चुअली, बिकॉज देखिए मैंने 40 से ऊपर फिल्में करी होंगी शायद, और हिंदी में करी हैं बहुत सारी फिल्में, तमिल में करी हैं, हॉलीवुड फिल्म कर ली, सब कर लिया मैंने। बट जिस तरह का कैरेक्टर मुझे इस शो से ऑफर हुआ वनराज का, ये मेरे ख्याल से कोई भी बहुत एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि ये आज तक का मेरा बेस्ट कैरेक्टर रहा है। क्योंकि मुझे पहली बात तो मैं इससे पहले टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा कीन नहीं था, क्योंकि डेली शो में जिस तरह का एक ट्रेंड था मुझे लगता था कि मैं फ़िट नहीं होता। पर राजन ने एक ऐसा शो और एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, और मुझे सबसे पहले उसने फ़ोन किया, तो और मेरा बहुत पुराना मित्र भी है राजन, तो जब उसने इसकी वन लाइन सुनाई थी तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये अलग रहेगा बहुत। वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट कि कितना हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे इस शो के लिए या कितना आगे बढ़ेगा या लोगों को पसंद आएगा नहीं। बट हम लोग ने एक मेरे ख्याल से राजन एज अ प्रोड्यूसर बहुत गट्सी है, तो राजन ने सोचा कि यार क्यों नहीं एक ऐसा शो बनाते हैं जिसमें हम चांस लेते हैं और देखते हैं कि ऑडियंस को पसंद आता है कि नहीं। और मेरे लिए जो कैरेक्टर उसने जो डिज़ाइन किया था इसमें वनराज का, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे अनुपमा में, अनुपमा तो खैर बाद में नाम पड़ा शो का, बट जब शुरू में बात हो रही थी तब शो का नाम नहीं था, तो जो वाइफ का कैरेक्टर था वो बहुत ही ऑथर बैक था कि एक बहुत ही अच्छी सुशील घरेलू संस्कारी बहू है, बट जो आदमी है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो कभी भी एक तरफ नहीं रहने वाला। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए एज एन एक्टर, और अगर आप ये शो फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक ये आदमी कितनी बार फ्लिप कर चुका है अलग अलग साइड में। कभी वो फैमिली के लिए खड़ा हो जाता है, कभी वाइफ के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, कभी वो काव्या के लिए खड़ा हो जाता है, कभी बेटी से बेटी को तो खैर वो अपनी जान मानता है, कभी बेटे को सपोर्ट करता है, दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड, इनसिक्योर्ड, हर चीज़ जो हर क्वालिटी एक इंसान में नॉर्मली होती है वो सारी इसमें दर्शाई गई। और मेरे लिए ये बहुत ही थिन लाइन है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं हो सकता हूँ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो सकता हूँ। तो ऑडियंस से जितनी नफरत मुझे शुरू में मिली थी वो एक्चुअली शुरू में मिली थी और अब भी मिलती है, बट लोगों ने अब मुझे प्यार करना भी शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल जो शुरू से लेकर अब तक मुझे मिल रहा है वो एक तरह से ऑडियंस का प्यार है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये शो वो नहीं हो पाता जहाँ हम लोग पहुँच पाए, क्योंकि वो नफ़रत ही लोग जो है एक प्यार के रूप में मुझे दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं उतना उनको इंस्टिगेट नहीं करूँगा या उनके अंदर का वो जज्बात या इमोशन नहीं उसको जगाऊँगा तो वो इतना प्यार इस शो को कैसे दे पाएंगे। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं BTS मोमेंट्स जो होते हैं, जितना सीरियस सीन होता है उतने ही फनी बिहाइंड द सीन्स होते हैं। अनुपमा के साथ शूट करने में कितनी मस्ती होती है ऑफ द? बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, और मेरी आदत है शुरू से कि मैं बहुत ज़्यादा मस्ती वैसे भी ऑफ द स्क्रीन ऑफ द कैमरा रखता ही हूँ, बिकॉज उसकी एक तो शायद मैं फितरत से भी वैसा ही हूँ कि जब मैं सीन कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ तो मैं बहुत सीरियसली काम करता हूँ, और जैसे ही कैमरा कट होता है तो मैं ऑटोमेटिकली एक मजाकिया मोड में चला जाता हूँ। वो है ही वैसा मेरा नेचर, तो आई ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन द सेट्स। हम सभी लोग, और शायद जहाँ पे सब लोग इन सिंक होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे और मज़ा आता है।